माँ जी, माँ जी आइए आइए, ले जाइए इसे, साहब को बहुत पसंद है ये। अरे क्या सोना खरीदने को आई है क्या? इतना टेस्ट कर रही है। अरे माँ जी बिल्कुल ढाई किलो है, ढाई किलो लेके जाओ, लेके जाओ, बहुत पसंद है, एकदम रबड़ी है, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन लेके जाओ। ये क्या मालिक है, जिसे देखो वो यही कह रहा है ये मालिक को पसंद है, ये ले जाओ। आप ही बोलो ना क्या ले। उन्हीं को फोन करके पूछ। उम्मीद करता हूँ देवी प्रसाद, सही कहा, हमारे गाँव का उत्सव है, बहुत धूमधाम से होना चाहिए। सब इंतजार सालों से परंपरा चल रही है। नहीं नहीं आप फिक्र मत कीजिए। हाँ हेलो, हाँ बोलो। अरे बिंदास लेके जाओ। हेलो, हाँ यह आवाज बहुत है, सुनाई नहीं दे रहा। कौन है? अरे तो थोड़ा बाहर निकल के सुनना। हाँ अभी बोल। अब सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ तेरी आवाज नहीं आ रही है, चुप क्यों हो गया? बोल क्या बोल रहा है। इस उत्सव पे आपके बच्चे भी आ रहे हैं ना? कुमार और शुभम ने आने के लिए हाँ कह दिए, बस मेरी मुंह बोली बेटी का पता नहीं है, आती तो अच्छा लगता, 3 साल से मैंने देखा नहीं है उसे। अब ऐसे में कोई क्या करे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मैं कह रहा था मालिक, पूछ रहे हैं दोपहर के खाने में क्या लेकर आए। देखो वहाँ सब मुझे जानते हैं, वो अपने आप ही दे देंगे तुम्हें। हाँ। वहाँ गोपाल भाई हैं, उन्हें सब पता है। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ जो कुछ मिलता है सब लेकर आ जाओ। क्या हुआ, क्या बोले वो? सब लाने को बोले। हाँ? बाकी राशन भी लाना है, याद दिलाना। हाँ हाँ दिला दूंगी। रानी और गोमती को पानी पिलाया? अरे दिमाग से ही निकल गया, अभी पिला देती हूँ। थैला मुझे दो, तुम जाओ। स्कूल ही जाना। अरे दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? कैसे अंदर डालूं मैं इनको? चल 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 चल। अरे बाहर आ गई, हाय मैं मर गई, क्या करूं बहू रानी, जल्दी आ, गोमती भाग गई। अरे कहां भागी जा रही हो गोमती? अरे मेरी मां रुको, किधर जा रहे हो? ओ गोमती, गोमती, अरे गोमती रुको, गोमती, अरे क्यों सुबह सुबह कसरत करा रही हो? पकड़ो तो गोमती। क्या हुआ? सारे पशु बाहर आ गए हैं। ए जाओ जाओ, जाके जाके उसे पकड़ो। ए ए ए पकड़ो उसे, रुको, अब इन्हें ठीक से बांधना वरना फिर भाग जाएंगे। गोमती, लक्ष्मी, रानी सब आ गए, सीता, गीता, कमला, विमला, कला, पापा कहाँ है? साहब को फोन कर। तंदूरी चिकन, 3 दिन का खाना और चखने का बंदोबस्त हो गया। कसम पकड़ में आ जाए तो लॉटरी लग जाएगी। बच्चे तो खेलने में बिजी है, यही मौका है। आ जा रे आ जा, ओ मुर्गे राजा, आ जा आ जा आ जा, रे तेरी तो कहाँ भाग रहा है बेटा, तू मेरे ही पेट में जाएगा। अरे अरे मेरा चाचा, डांबर की दुकान। कौन है बे? क्या है बे, कहाँ चला जा रहा है? पापा इधर आया है क्या? अबे बुढ़ापे में तेरा पापा भाग गया है क्या? अबे पापा आया है क्या? अरे ये स्कूल है, यहाँ पापा नहीं, पापा के पप्पू आते हैं। पापा हमारा पालतू मुर्गा है रे। मुर्गे का नाम पापा होता है क्या? होता है ना, जब वो छोटा था तो उसकी शक्ल तेरे बाप से मिलती थी, इसलिए उसका नाम पापा रखा।
इसको भी पढ़ने का शौक है क्या? संभाल के देखना, काट दूंगा। चुप हो जा, चुप हो जा। तुम रोज दरवाजा खोल के चली जाती हो, फिर इन्हें पकड़ने में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैंने तो बस रस्सी खोली थी, बाहर तो ये आप लोगों की गलती से गए। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने दरवाजा खोला और सब भाग गए। मुझे नहीं बांधा तो मैं कहीं भाग गई क्या? ये पीछे के दरवाजे से गई ही क्यों? अरे हाँ, तन्वी की बात सही है, तू पीछे के दरवाजे से गई क्यों? हाँ, तू अपना मुंह बंद रखा, कुछ जानता नहीं और बकबक कर रहा है। क्या कला, तुम सामने के दरवाजे से जा सकती थी ना? जा तो सकती थी मालकिन, आप भी। चुप कर, फालतू बकवास कर रही है। तुझसे जब से शादी की है ना, मेरा नसीब ही फूट गया है। तुम बिल्कुल लापरवाह हो दादाजी। किसकी हरकत थी ये? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मेरी गलती नहीं है। इस घर में गलती करने वाले की सजा क्या होती है? क्या देख रहे हो सब? जाओ जाके खाना परोसो। हाँ, जाके खाना लगा। तो ये तूने किया? सुनिए जी, दुबई से मीनाक्षी का कॉल है। दामाद जी को छुट्टी नहीं मिली, शिवरात्रि के लिए अकेली बच्चों के साथ आ रही है। दीदी का फोन है। हाँ दीदी, आ रही है। वाह, 3 साल बाद सारे नाते पोती एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं। ये खबर सुन के समझी जी सकते में आ गए, पूरे घर में उत्सव का माहौल होगा। धीरे धीरे। अरे गिर गई, दर्द हो रहा है, संभल के नहीं चल सकती। डॉक्टर को बुलाएं। कोई बात नहीं, पुतू बनाया। अरे ए, अरे क्यों तंग कर रही हो उसे? सुनो तो सही। अरे जाने दो उसे। अच्छा, बंदर ने मगरमच्छ को बुद्धू बनाया। सारे जानवर मगरमच्छ पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि तू। फिर राजा ने कहा कि तुम सो जाओ। लाइए, मैं ले जाती हूँ। हाँ रुको रुको, आइए आइए दादाजी। अरे स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? सब ठीक चल रहा है? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दादाजी इतना अच्छे लग रहे हैं। अरे 3 साल बाद सबको साथ देखकर। पिताजी और कुमार जी, आंटी नहीं आ रही क्या? वो सब लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, गणेश भैया उन्हें एयरपोर्ट से लेने गए। ओके, यहाँ से कच्चा रास्ता है। ये जमीन इतनी सूखी क्यों है? खेती बाड़ी ठीक चल रही है ना? आजकल खेती करना ही कौन चाहता है? ज्यादातर किसान शहर चले गए हैं। खेती करने में शर्म आती है ना उन्हें। अच्छा, तुम्हारे उस टेंडर का क्या हुआ? क्या होना था, डिपार्टमेंट खींचता चला जा रहा है। कमीशन तक देने को तैयार हूं मैं, पर गाड़ी अटक सी गई है। आओ पूजा करते हैं। ये कौन?
कौन से भगवान है दादाजी? बेटा ये हमारे कुल देवता है कुरुपन भगवान। गांव आते वक्त इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आंटी ने पहुंच के पूजा कर ली? कोई और नारियल नहीं दिख रहा, मतलब अब तक नहीं पहुंची। पूजा हो गई, चलो अब चले। चलो बेटा, पूजा पूरी नहीं हुई ना, आप लोगों को जाना तो जाइए, मैं आंटी के साथ आ जाऊंगा। तू तो मंदिर में पैर तक नहीं रखता, फिर आज ये भक्ति भाव? सही कह रही है, बहुत जरूरी है ना माँ, कुल देवता है, इनकी पूजा करनी चाहिए। लाइट आने में अभी टाइम है, शायद आने में घंटों लग जाए, चलो अब। दादाजी मैं वेट कर सकता हूँ, आप लोग चले जाइए, बाद में मिलता हूँ। एक बात सुन लो, यहाँ सांप बहुत निकलते हैं, बच के रहना। सांप कार में तो नहीं घुसेगा ना? चलो आप। शुभम कुमार, अरे कार्तिक, प्रणाम माता जी, कैसे हैं? हम बिल्कुल मजे में हैं। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपकी सेहत अच्छी लग रही है। अच्छा। दादी माँ, आंटी आ गई क्या? क्यों संजय, घर में इतने सारे लोग हैं, सिर्फ आंटी की फिक्र है। वो क्या है ना चाची, 3 साल से नहीं देखा ना, काफी बड़ी हो गई होगी। तन्वी? अरे देखो ना तन्वी, ये तन्वी है ना, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही, कैसी है बेटा? तुम्हारे चाचा है। क्या हुआ बेटा, नहीं पहचाना? तुम्हें देखा था तब काफी छोटी थी। एक बात पूछूं बेटा उषा, डॉक्टर से मिली तुम, कुछ पता किया? क्या पता करना है, सारी ट्रीटमेंट करवा ली, 2 बार आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी करवा कर देख लिया, कोशिश करके थक चुके हैं। जब आते हैं तब यही सवाल, इसलिए यहां आना अवॉइड करती हूं। हे, चुपचाप उठ जा चश्मिश, इट्स माय रूम, दादाजी ने मुझे दिया है। हाँ हाँ ठीक है, कल बोल देगा दादाजी ने पूरा घर ही तेरे नाम कर दिया है, तो मैं मान जाऊंगा। चल चल निकल, किसी कोने में सेट हो जा। साला पागल। राजा भैया इधर आइए। बोलो भैया क्या बात है? मैंने दादाजी से कहा था मुझे ये वाला कमरा चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं दिया गया? लेकिन मालिक ने आपके लिए यही कमरा दिया है। यहाँ तो कार्तिक फैल के लेटा हुआ है, उससे कहो कि मेरे रूम से जाए और जाके बरामदे में सोए। अबे आप वहाँ सोएंगे तो मैं कहाँ पे सोऊंगा? छोटे मालिक आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। मैं क्यों एडजस्ट करूँ, उसको बोलो करने को। हाँ। छोटे भैया क्या है, जरा एक मिनट यहाँ ना। अरे वहाँ क्यों आऊँ, आना जरूरी काम है। क्या है यार, देख तू छोटा है, बड़ा भाई आखिर बड़ा हो, इसलिए कॉम्प्रोमाइज तू नहीं करना। अरे क्या कर रहे छोटे मालिक, अरे क्या कर रहे छोटे मालिक, दरवाजा क्यों बंद कर दिया छोटे मालिक? आपकी वजह से मेरा रूम गया। अरे मुझे क्या मालूम था, इसने तो मुझे भी शेंडी लगा दी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इससे बेहतर कमरा देता हूँ, आइए 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 पीछे पीछे। ए ए दरवाजा खोल, अरे आइए यार, ए ए दरवाजा खोल यार, चीटिंग। जिससे अजी सुनते हो, मीनाक्षी आ गई। आ गई, आ गई। काम मत दो भाई,
छोटे मालिक नंगे पुंगे जा रहे हैं। संजय, अरे क्या कर रहे हैं? कैसी हो? अरे ये नंगा पुंगा कहाँ घूम रहा है? क्या कपड़े पहनना भूल गया क्या? संजय, अरे कपड़े तो पहनते जा। संजय, आगे हो गया है क्या? क्या कर रहा है? हाय ब्रो, अभी किधर है? अरे नंगू पंगू मालिक। What bro? New fashion? अरे बाप रे! आप बिना कपड़ों के यहाँ पे आ गए? मालिक आपने हाफ पैंट को और हाफ कर दिया। अरे छोटे कपड़े भैया जल्दी ढको। लुंगी उठाई। चले आप लुंगी क्यों उतारी? बच्चे डर जाएंगे। क्या हो गया इस आदमी को? अरे क्या कर रहे हो जल्दी? अरे फुल हो गया। अरे क्या करे? गोल गोल रानी निकल के पानी। क्या बंद कर दिया? अरे शो चालू कर दिया। अरे बस करो वाले। अरे नौकरी गई। आजकल के बच्चों का तो दिमाग ही खराब है। अंदर चलो। पागल हो गया ये सच्ची है। चड्डी तो पहन कर आया था। ये कोई तरीका है सबके सामने आने का? दिमाग खराब हो गया क्या? सॉरी। आओ बेटी, वेलकम वेलकम वेलकम। पिताजी, अच्छा हुआ तुम आ गए। तो आना ही था, कब से प्लान बना हुआ था। दामाद जी आते तो अच्छा लगता। उन्हें छुट्टी नहीं मिली। जाओ इसे अंदर ले जाओ। हाय नानू, हाउ यू डूइंग? ऑल ओके? अरे बदमाश सरवनन, यू ओके? ठीक हो ना? कॉल मी शानन। सरवनन भी तो अच्छा है, नाम किसने बदला? मैंने। ओ तन्वी, तुम इसे जानती हो बेटा? सरवणा। कॉल मी शानन। इडियट। संजय तुम? आंटी। उम्मीद है तुम्हारी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। कॉलेज ठीक चल रहा है ना? हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी, फिर बस में भी देर हो गई। सुना है तुम जब से आए हो मेरे बारे में ही पूछ रहे हो? हाँ, काफी बार। मेरी इतनी फिक्र तो मेरे अपने भाइयों ने भी नहीं की। अभी तुम 12th स्टैंडर्ड में हो ना? फ्यूचर का क्या प्लान है? बस शादी करनी है और क्या? क्या कहा? शादी करनी है? नहीं नहीं नहीं, बस मैं कॉमर्स लूंगा। ओ कॉमर्स लोगे? तुम्हारे अंकल ने भी कॉमर्स के लिए कौन सा कॉलेज था? कौन सा था? कॉमर्स क्या? कौन सा? ये तो हमारे घर में भी होनी चाहिए। हाँ, याद है याद है। ले जाऊंगी। ये किसकी फोटो है? कितनी अच्छी है ना? हाँ सच्ची। क्या हुआ? यहाँ आ तो सही। देखो कितने सब छोटे छोटे। इधर आ। ये तेरे डैडी है। ए देख इसे, तू मेरे जैसा ही दिखता है। आप जैसे दिख के मैंने कोई तीर नहीं मार लिया। नहीं दिखता तो बेटर था। संजय ये वाली फोटो देख, कितनी कमाल की है ना? चाचा देख के मैं क्या करूंगा, बचपन से देख रहा हूँ। इस फोटो में तो संजय बिल्कुल शुभम भैया जैसा दिखता है। ऐसा था है। ये देखो। आंटी की फोटो है। अरे फोटो देना मुझे। अरे थोड़ी देर देखने दो ना माँ। क्यों, ये फोटो बचपन से नहीं देख रहा तू? नहीं। अरे वाह कितनी सुंदर है। क्या आंखें हैं। चल चलो फोटो छोड़। अरे फोटो तो छोड़, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? दे इधर। कैसी है आंटी? मैं ठीक हूँ। कब आई तुम? थोड़ी देर पहले ही पहुंची। काफी बड़ी हो गई हो। ए उषा, तुम यहाँ कब आई? बस आज सुबह ही आई। डॉक्टर को दिखाया? कोई खुशखबरी है या नहीं? मीनाक्षी। उषा। मैं तालाब में नहाने जा रहा हूँ, जाओ जरा टॉवल ले आओ। इन लोगों को और कोई काम नहीं है, बुरा मत मानना। तालाब जा रहे हो क्या? रुको मैं भी चलता हूँ, मेरे कपड़े ले आना। हाँ लाती हूँ। मामा मैं भी साथ चलूं? हाँ चलो ना, बहुत मजा आएगा। अभी तालाब पर लड़कियां नहीं जाती, तुम नहीं जाओगी, घर पर ही नहाओ। कबाब में हड्डी? ए क्या क्या हुआ छोटे भैया? व्हाट इज तालाब? तालाब पानी पानी। बीच? स्मॉल बीच। यार गणेश
तू तो इस तालाब में रोज नहाता है। इस तालाब में नहाने का तो मजा ही कुछ और है। मैं तो रोज ही नहाता हूँ। आज आप भी इसका मजा लो। हाँ और मैं भी लूंगा। This is a beach. Small beach, small beach. Do you know what is a beach? Okay. Beach. गांव के बीच ऐसे ही होते हैं शरवनन। Call me Shannon. अरे चल तेरी तो hey, श्रवण की। Leave me, leave me. ए, तू बैठा क्या है, नहा ले? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, बहुत ठंड है। आप जाइए ना, देख क्या रहे हैं, जल्दी से नहा के फ्री हो जाइए ना, टाइम नहीं है, घर भी जाना है। तुझे घर जाने की फिक्र कब से होने लगी? अब जाओ भी, इतनी गर्मी में इसे ठंड लग रही है। जी हाँ, आराम से पहुंच गए। आवाज ठीक नहीं आ रही, घर जाकर फोन करिए ना। जल्दी जल्दी चलो, ये सब स्टोर रूम में रख दो। आ गई बेटी? हाँ, पिताजी। हाँ, हाँ, कैसी हैं? कैसी हैं समधन जी? मैं ठीक हूँ। कैसी हैं आप? ही को याद कर रहे थे। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अब आपने और समधन जी ने मेरी बेटी को इतना प्यार दिया है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, और आप मेरे दोस्त भी तो हो। नमस्ते ससुर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, और कहाँ से आ रहे हो? तालाब पे गए थे नहाने। बहुत मजा आया। ओ अच्छा, आप बैठिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। कैसे हो सरवनन? तुम भी तालाब में नहा के आए? वो तो भैंसों की नहाने की जगह है वो तालाब, दिस स्टुपिड बुलशिट विलेज, एवरीवन हैज ट्रीटेड मी। अच्छी इंग्लिश बोलते हो। पीपल आर सो डम हियर। सही है सही है। चलो अंदर। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। समझ में तो मुझे भी नहीं आया, लगता इंग्लिश में बेइज्जती करके चला गया। See this game? Superb है ना? इंडिया में भी आ गया। ये पुराना वर्जन है, अब लेटेस्ट भी आ गया है। मेरे पास वो वर्जन है। हाँ। Your laugh is so cute यार। कार्तिक। हाँ? खेलती रहो, इसे भूल जाओ। माँ बुला रही है तुम्हें। अगर दादी भी बुलाएगी ना, मैं नहीं जाऊँगा। Look at this, classy है ना? हाँ। अभी? अभी? आ रही हूँ मॉम। कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। आ रही हूँ ना। क्या है? कुछ नहीं है। डिस्टर्ब क्यों किया? तू क्या बात कर रहा था उससे? अपने बारे में। अपने बारे में क्या? उसके बारे में। उसके बारे में क्या? दोनों के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। कौन से प्लान्स की प्लेन उड़ा रहा है चश्मिश? हाँ स्टूपिड क्वेश्चन। फ्यूचर के बारे में आंटी की बेटी से बात नहीं करूंगा तो फिर मैं किससे बात करूंगा? अच्छा, उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग? अरे तुझसे उम्र में बड़ी है। बड़ी है तो क्या हुआ? अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी नहीं की क्या? सचिन तेंदुलकर ने अंजलि से शादी नहीं की क्या? वो सब छोड़, और मेरा फेवरेट निक जोनस, उसने प्रियंका चोपड़ा से शादी नहीं की क्या? एज लॉन्ग एज दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो तो सब ओके। बात में दम है ना? आप और लेंगे? सब्जी दो आप? नहीं मुझे और नहीं। गणेश, इस बार तुम मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलते? मेरा मतलब शहर चलकर MBA की पढ़ाई कर लो, बढ़िया जॉब मिल जाएगी, तन्वी भी अच्छी स्कूल में पढ़ सकेगी। नहीं जा सकता, चटनी हर कोई अगर शहर चला जाएगा तो यहाँ खेती कौन करेगा? जिस अन्न को खा रहे हो उसे बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। सिर्फ हमारे घरों के ही नहीं, हमारी खेती बाड़ी की वजह से हजारों घरों में चूल्हे जलते हैं, उन परिवारों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। खाओ, हमारे खेतों का धान है। तुम ऐसा करो, उससे कहो कि मुझसे आकर परसों मिले। ठीक है, मैं उससे कह दूंगा। नानू, यहाँ पे वाईफाई है क्या? क्या है यहाँ पे? वाईफाई मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना। अरे विशाखा। क्या है जी? यहाँ आओ, इसे कुछ चाहिए। आओ ना, वहाँ चलते हैं। आओ। इट्स वेरी नाइस हियर। ये मेरा इंडिया का नंबर है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बाय। हाय।
अभी अभी यू नो तन्वी नीचे बहुत मजेदार गेम खेल रही है। फैबुलस, चलो ना नीचे खेलने। ए तू बाजू में हट ना, बीच में घुसता रहता है। देख बेटा, इस थैले में मैं सब्जी लाई और इस टोकरी में मैं ये रजाई लाई। तुझे जो चाहिए ले ले। नानी, रजाई नहीं, वाईफाई। वाईफाई? ए राजा, इधर आ। बोलिए मालकिन। श्रवणन कुछ मांग रहा है। हाँ तो ठीक है ना, क्या मांग रहा है? तुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ना, पूछे से क्या चाहिए। क्या मालकिन, ABCD से आगे नहीं पढ़ा और आप मेरे को इसके पूछने बोल रहे हो? आप टाइम पास मत करो, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। नाटक मत कर, पूछ इससे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। What I wanting you, Baba, tell me. Wi-Fi चाहिए। Oh, wife, आ जाओ मेरे साथ। ये रही मेरी वाइफ और ये है काका जी की वाइफ और वो है नाना जी की वाइफ। आप कौन सी वाइफ चाहिए बताओ? अरे वाईफाई का मतलब इंटरनेट। इधर इंटरनेट है क्या? यो वाईफाई, इंटरनेट पहले बोलना था ना बेटा। मैं अभी जाके मार्केट से 4-5 वाईफाई लेकर आता हूँ। अरे सुन, मेरा झोला देना, मैं अभी जाके मार्केट से आता हूँ। अंदर रखा है, ले लेना, मैं बर्तन मांज रही हूँ। मैं अभी वाईफाई लेकर आता हूँ। वाईफाई, 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 वाईफाई। क्या ढूंढ रहे हो? अरे कुछ नहीं, मोबाइल। ये मेरा रूम है। पता है मुझे। पता है तो जाना यहाँ से। श्रवण, तुम्हारा मोबाइल यूज कर लूँ क्या? किस लिए? वो मेरा मोबाइल कहीं मिल नहीं रहा है ना, एक रिंग बजाऊंगा तो मिल जाएगा। अर्जेंट मेल्स चेक करनी है। तुम्हारे फोन में इंटरनेट है क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे दोगे क्या? I have to update my Facebook wall. क्या है कि मैं टाउन में नहीं हूँ ना। पर उसके लिए फोन तो मिलना चाहिए। ओ, एक मिनट रुको, अभी का फोन है ना, उससे मिस कॉल दे दूंगा। ओके ओके। फोन नंबर? ये अब तुम्हारा टर्न। अभी मेरी बारी। अभी जरा फोन देना। किस लिए चाहिए? संजय का फोन खो गया है, मुझे उसे मिस कॉल देनी है। नहीं नहीं कार्तिक, रुको ना, मुझे आदत पड़ गई। मुझे दे, मैं डायल करती हूँ। हे कार्तिक, डोंट चीट। हाँ, मैं कहाँ पर चीटिंग कर रहा हूँ? अरे तुम ध्यान से देखो। चीटर, आउट 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 आउट। अरे नहीं यार, नो नो नो, तुम आउट हो। जाओ जाओ, बाहर जाओ। ये कौन सा गेम है? Even I want to play. ये हमारे गांव का खेल है, तुम नहीं खेल पाओगे। I can play any game. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब मुंह फुला के मत बैठो भैया। तन्वी, तुम तो गेम बहुत अच्छे से खेलती हो। हेलो, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो?
वो चेक कर रहा था कि फोन काम कर रहा है या नहीं। फोन लग गया यानी काम कर रहा है। चलो अब रखो। हेलो हेलो हेलो, फोन मत काटना। व्हाट? मैं ही जीतूंगी। लास्ट टाइम जब मिले थे मेरे साथ ही रहती थी, मेरे साथ ही खेलती थी, और अब तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। तुम भूल रहे हो, तब हम बच्चे थे। और अब? अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पापा ने तुमसे बात करने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है। छे, इससे अच्छा तो बच्चे ही रहते। हे, वहाँ से पीछे हटो, पटाखे फूटने वाले। हाँ? अपने पीछे देखो, दूर हटो, अभी नीचे देखो, पटाखे फूटने वाले। अभी देखो किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, सब ठीक है ना? चलो देखो, भाग रही है। किसकी हरकत है? इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जल्दी, अरे उधर उधर, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, वो दूर जा रही है। वो देखो, वो आई। ओके ठीक है, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। अरे कमली, कमली कहाँ चली गई? अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, इसको ले लो। डर मत करो, अंदर आजा सीता। गीता आजा, चल इसे भी ले, चल अंदर। डोंट यू हैव एनी सेंस? दे आर एनिमल्स, यू डोंट हैव एनी राइट टू हर्ट देम। प्लीज डोंट एवर रिपीट दिस। क्यों किया ऐसा? गांव में भी बढ़िया इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्या शोर मचा रखा है, तुम बाज नहीं आओगे? किसकी करतूत थी ये? किसने किया ये सब? मैं जानता हूं तुमने नहीं किया, खुद को सजा मत दो बेटा। अभी मुझसे बात नहीं करोगी? सबके सामने तो पूजा की थाली देना। हाँ। समय चल रहा है, पहले कपड़ों में आग लगी, उसके बाद पूजा की थाली भी गिर गई, दोनों ही अशुभ संकेत हैं। पंडित जी, इस बुरे समय का उपाय
क्या आप लोगों ने कोई पूजा करवाने की मन्नत मांग रखी है, ऐसा कुछ है? अगर है तो उसे पूरा कीजिए, वरना पूरे परिवार पे भारी संकट आ सकता है। पंडित जी की बात बिल्कुल सच है, शायद सब भूल चुके हैं। आज से 3 साल पहले मंदिर के उत्सव में जाते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया था। मेघा, मेघा, उषा, तन्वी, उषा तुम ठीक हो ना? सब ठीक तो है ना? तन्वी, बेटा, क्या हुआ बेटा? इधर आओ, इधर आओ। ईश्वर ने हम पर दया की और हम सब बच गए, कृपन ने रक्षा की। उस समय हमने मुर्गे की बलि चढ़ाने की मन्नत मानी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। वो मुर्गा जो घर में घूमता रहता है, वही ना? बलि चढ़ाने की बात किसी को याद कैसे नहीं रही? 3 साल से परिवार इकट्ठा ही नहीं हुआ, ये तुम्हें भी कहां याद था। 2-3 महीनों से बिजनेस में भी गड़बड़ हो रही है, शायद इसीलिए टेंडर भी पास नहीं हो रहा। इन्हें भी ऑफिस में बहुत सी प्रॉब्लम हो रही हैं, उसकी वजह कहीं ये तो नहीं? हो सकता है यही वजह हो, वरना इतनी ट्रीटमेंट करने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं? चिंता मत कीजिए, जो हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया, ये कृपण भगवान भी जानते हैं। शुक्र है आज 3 साल के बाद हम सब साथ हैं, ईश्वर ने मन्नत पूरी करने का मौका दे दिया। अब मंदिर के उत्सव में ये पूजा होगी, परिवार के साथ होगी, उसके बाद सब अच्छा ही होगा। सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, आपको तंग करने वाले मैनेजर का ट्रांसफर हो जाएगा। पूजा खत्म होते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ले लीजिए पानी। हाँ। क्या हुआ भैया, परेशान क्यों हो? आपको तो सबसे बड़ा कमरा दिया है। कैसी बातें कर रहे राजा भैया, फैमिली फंक्शन के लिए तो पूरी फैमिली साथ रहनी चाहिए। हाँ। और आप मुझे सबसे अलग कर रहे हैं। मर्दों की साइड इस तरफ है, ये मर्द नहीं है क्या? लाइन फिट है। मालकिन, पापा गायब हो गया है। अंदर कहाँ जा रहा है? दारू पिया है क्या? बाप का राज समझा है क्या? अंदर ही घुसा जा रहा है। तू कौन है बे? नया है क्या? पहले वाला चपरासी कहाँ गया? हा? उसकी छोड़, तेरे को किससे मिलना है? वो तो पड़ा होगा घर पे पीके टाइट। मुझे तन्वी से मिलना है। हे तन्वी, बड़े घर की लड़की है, तेरे जसों से नहीं मिलती। अब दिखा दे कोयले की खदान, नहीं तो साले लुंगे उतार के बहुत मारूंगा। अरे इंपॉर्टेंट मैटर है, अरे तेल लगा के तेरा इंपॉर्टेंट मैटर है। चल निकल, चल यहां से। क्या कर रहा है? आज आज चल यहां से, देख लूंगा तुझे। अरे तू क्या देखेगा, चल। मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है। तन्वी, इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। राजा भैया, यहाँ पे क्या कर रहे हो? पापा कहाँ है? यहाँ नहीं आया। पापा यहाँ नहीं आया? नहीं, पापा यहाँ नहीं आया। सुबह से गायब है पापा। कहीं तो होगा, घर में नहीं तो बाहर होगा, जाके ढूंढो उसे। चलो। पक 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 प
संजय तू वहां देख। हाँ। ए, पक 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 आपने किसी मुर्गे को देखा? नहीं मेम साहब, मैंने तो नहीं देखा। एक कार्तिक, वहां कोने में ढूंढो। हाँ ठीक है। हाँ भी नहीं है। ए डेढ़ बछली, तुझे कोई काला लाल मुर्गा दिखा यहाँ पे? हाँ नहीं दिखा। पक 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 अरे काकी, किसी मुर्गे को देखा? हमने नहीं देखा। अल्मोनियम का बर्तन ले लो, बर्तन अल्मोनियम का बर्तन। पक पक पक। दीदी, यहाँ कोई मुर्गा देखा क्या? आप तो हमारे मालिक की बेटी है ना? हाँ दीदी, हमारा पालतू था, सुबह से नहीं मिल रहा है, आपने देखा क्या? आपके घर का मुर्गा था ना, तो बहुत ही तगड़ा मुर्गा होगा, वो चार लोगों के लिए चिकन बन सकता है। जिसने भी चुराया होगा उसके तो मजे हो गए। फालतू की बकवास कर रही है, चलो। अरे क्या हुआ, मुर्गा मिला कि नहीं? नहीं मिला। चलो फिर आगे ढूंढते हैं। ए संजय, आओ हमारे साथ। एक बात बताइए। हाँ। एक मुर्गे की उम्र कितनी होती है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बताइए तो सही। करीब 7 या 8 साल। और अपने पापा की क्या उम्र होगी? कितनी होगी, शायद 3 या 4 साल। हाँ उतनी ही होगी। इसका मतलब पापा अभी जवान है, और जवान लड़के कहाँ मिलते हैं? सुंदर जवान लड़कियों के पास। तो हमें पापा को भी सुंदर मुर्गियों के पास ढूंढना चाहिए। लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं, ऐसे ही मुर्गियां भी बहुत सारी होंगी। लड़कियां तो बहुत सारी हैं, पर सबके साथ तो डेट पे नहीं जाते ना। पापा की कोई खास गर्लफ्रेंड तो होगी, कौन है वो? पक 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 पापा 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 कहाँ पे पापा 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 पक 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 पक। अरे ये कहाँ गायब हो गया, ढूंढते ढूंढते थक गए। अब समझ में आया, चपरासी ने चुराया। सुबह स्कूल आया था पेट दर्द का बहाना करके, जरूर घर गया होगा, उसे काटने की तैयारी कर रहा होगा घर पे। मौसी, अरे मीना तुम कैसे आ गए? वो हमारा बस ऐसे ही आ गए। दुबई से क्यों चली आई? वो मंदिर का उत्सव है ना, बच्चे भी आए हैं क्या साथ में? हाँ बच्चे भी आए। मौसी क्या पका रही हो? कुछ खास नहीं, मच्छी भात के साथ अंडे की भुर्जी। ओ ठीक है, हम चलते। अरे पूछने तो दे, अब क्या था वो सब, पागल हो गई हो? मुर्गे के बारे में पूछने की बजाय तुम्हें उसके खाने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, इनवाइट करने वाली है वो तुम्हें। सीधी बात है, अगर किसी ने पापा को पकड़ा होगा, काट डाला होगा, तो क्या बताएगा वो हमें? इसीलिए सबसे पूछो क्या पकाया है। ए, ए, भाग, 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 चल। मुर्गी चोर कहीं के? आज आप लोग यहाँ पर कैसे? बस ऐसे ही मिलने आ गए। खाना बना लिया ना? क्या पकाया आज? दाल चावल और साथ में मच्छी फ्राई की। ओ बकरी को टोकरी में कौन रखता है? छोड़ छोड़ छोड़, भाग निकल। ऐसे यहाँ से निकल रहे थे। हाँ।
खाना बना लिया? हाँ बनाया तो। खाना क्या बनाया? ज्यादा नहीं, बस डोसा बनाया। अरे 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 क्या उल्टे सीधे आइडिया देता है तू? अभी सारी औरतें मिलकर धुलाई कर देती, इसकी खातिर खानदान की इज्जत चली जाती। अब ये सुंदर मुर्गियों को ढूंढना छोड़ो और सिर्फ अपने मुर्गे पापा पर ध्यान दो। चलो अभी चल यहाँ से। जवान मुर्गे का दर जवान लड़का ही समझ सकता है। कहाँ ढूंढे उसे? अरे बुढ़ाओ, वो सुंदरम कहाँ पे रहता रे? वो जो सामने वाला घर है वही है। सुंदरम है क्या? तुम कौन हो? तुम कौन हो? उनकी पत्नी हूँ। उस चपरासी से बात करिए, उसे बाहर बुलाओ। तुम जो भी हो, इज्जत से बात करने का, घर पे नहीं है वो, स्कूल गए हैं, वहीं मिलेंगे। हमारा मुर्गा चुरा के स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेकर कहाँ बैठा है वो? स्कूल से तो उससे छुट्टी ली, बताओ उस मुर्गे को कहाँ छुपा के रखा है, जल्दी बताओ। हे, वो देख अपना पापा। अरे देख साला अपनी आइटम को घुमा रहा है। अरे ऐसे ही सोचा तुमसे मिलती चलूं। और खाना बन गया? हाँ बन गया ना। क्या पकाया आज? आज मेरे बुढ़ाओ को मुर्गा खाना था तो वो मुर्गा ले आए, वही बनाया है। आप लोग भी आइए ना। अरे इतना सोच के आ रहे हैं, अंदर आइए चलिए। अच्छा जी, स्कूल के बजाय यहाँ याशा चल रही है। मुर्गा पता को खाया जा रहा है। ये डबल बाहर क्यों खींच रहे हो मुझे? अच्छा यहाँ भी आ गए? क्या कर रहे हो? अरे मेरी पति है तो उसे घर पे संभाल के क्यों नहीं रखती है? ये कौन इधर आता है? मैं अच्छा तू नहीं बुलाती तो ऐसे ही आ जाता है। मैं आपको शहर में आ जाऊँ? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये कैसे सुना रही है? समझा ना तू। एक से मन नहीं बढ़ता, दो चाहिए। चाचा जी। हाँ पापा मिल गया। कहाँ मिला तुझे? मैंने बोला था ना वही होगा। अरे भाई गर्लफ्रेंड के पास। थैंक यू भाई, मेरा मुर्गा ढूंढने के लिए। क्या है? काय का थैंक यू रे? बकवास कर रहा है, ये हमारा मुर्गा है। क्या मजा कर रहा है? जब से ये अंडे से निकला है तभी से ही मैंने इसे पाला है और तू बोलता है तेरा है। क्या तो तेरे वाला मुर्गा तेरे घर पे होगा, ये हमारा पापा है। अरे यार बताइए सोच रहे हो आप लोग, कहाँ जा रही हो? हमारा मुर्गा चोरी किया और पकाकर खा गई, शर्म नहीं है तुझे? तुम्हारा नहीं, ये हमारा मुर्गा। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलने लगी? देखो मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे झूठी मत कहो, समझी तुम? तू नहीं चुराया है? है? मैंने नहीं चुराया। ज़्यादा होशियार मत बन, मेरे बुढ़ापे में। अरे हमारे बुढ़ापे में बोलता है। अरे मारो उसे, मारो। मैं तो नहीं छोड़ता हूँ अभी इसको। बार बार मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मेरे कहाँ है नहीं? और अमरगढ़ में क्या किया? हमारे आप खोल कर सुनो। मेरे थोड़े की जरूरत है यहाँ से। अरे चुप हो जा, मेरी माँ मेरी नानी बस। बकवास नहीं कर रहे, तुमने हमारे मुर्गे को खाया, दूसरे का मुर्गा खाना अच्छी बात है? कौन ये? ये हमारा मुर्गा पापा नहीं है। साहब मुर्गा मेरा था, बाजार से लाया था। कुछ तेरे को उसकी पड़ी है और यहाँ मेरा सारा खाना बर्बाद कर दिया इसने। मेरा सारा सांभर खराब हो गया। फालतू में इतनी मगजमारी की। सबके अकल पर ताले पड़ गए थे,
पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया। हाँ, सूरज ढलने तक मुर्गा खुद ब खुद यहां लौट आता। अब और उतावलापन दिखाने की कोई जरूरत नहीं, जाओ। तुम्हें भी मारा उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चाचा की कुटाई हुई। मैंने उनसे कितना कहा कि ये हमारा मुर्गा नहीं है, पर वो माने ही नहीं। बड़ी मुश्किल से किसी तरह बचाया उन्हें, मैं नहीं होता तो। या नहीं, कोई देख लेगा, ऊपर चलते हैं। पर अभी बात क्या है? चलो तो सही, बताती हूँ। अरे बताओ तो। यही रहना, यहाँ से कहीं भी मत जाना, खाना खा लेना और बिल्कुल शोर मत करना। इस उत्सव में मुर्गे की बलि देंगे और सब पूजा करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मम्मा मम्मा इधर आओ, जल्दी आओ। सर मैडम। मम्मा, नाना, जल्दी आओ, इधर आओ। किसी को मत मारो सर मैडम। नाना, मम्मा, इधर आओ, जल्दी आओ। सर मैडम बचाओ। इसका क्या करूं? जब देखो कहीं ना कहीं गिरता पड़ता रहता है। जाओ उसे उठाओ और इसके रूम में लिटा दो। थोड़ी देर में अपने आप उठ जाएगा। मम्मा, मम्मा, नानू, अभी, नानू, प्लीज, प्लीज, अभी, मम्मा, प्लीज, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारा हर ऑर्डर मानूंगी, मेरे सारे गेम से तुम ही खेलना, दादाजी की गोद में भी तुम ही बैठना, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, प्लीज। जो भी बोलूंगा वो करोगी ना? बहुत हंसती थी ना मुझसे, अब दिखाता हूँ। अब से जब भी जहाँ भी तुम मुझे देखोगी ना, तुम्हें मुझे सैल्यूट करना होगा। अभी मैं तुमको दिख नहीं रहा हूँ क्या? नमस्ते जी, आप यहाँ क्यों बैठे? दर्शन नहीं करेंगे क्या?
मैंने दर्शन कर लिए। आप परेशान लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है? ठीक ही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, समस्या की वजह ना जानने तक ही दिक्कत होती है। सुबह राजा मिला था, उसने सब कुछ बता दिया आपके पालतू मुर्गे के बारे में। उसकी बलि ना देना गलत होगा, उत्सव का दिन निकट आ चुका है, यही समय है मुर्गे की बलि दे के पूजा करने का। सारे संकट दूर हो जाएंगे, पूरा परिवार आनंद में रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए। पूरा गांव छान मारा, कहीं नहीं मिला। पिताजी को उम्मीद है पूजा से पहले मिल जाएगा। आप जरा ख्याल रखना, आपकी जॉब को खतरा है। हाँ हम ठीक हैं, पूजा के बाद वापस आ जाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं? बच्चों का कोई नया खेल होगा। चलो बेटा, पिताजी आ गए। चलो आप सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। नहीं है, लेकिन ये बांग की आवाज कहां से आई? चलो ढूंढते हैं। मैं वहां ढूंढता हूं। पक 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 पता नहीं कहां गया। पापा पक 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 हाय पापा पक 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 कहां है? मिल जा रे। पक 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 तुझे मिला शुभम? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गया। मुझे उसकी बांग की आवाज तो साफ सुनाई दी थी। हर एक जगह ढूंढ ली है, चप्पा चप्पा छान मारा है। मैंने भी घर में देख लिया, कहाँ चला गया होगा। हाँ गाँव में भी तो देख लिया, जगह तो सब गया। कहाँ थी ना? पता नहीं कहीं हमारे कान तो नहीं बज रहे? आदत है ना उसकी आवाज सुनने की सुबह सुबह। अच्छा तन्वी, अंदर चलते हैं। सब लोग पापा को क्यों ढूंढ रहे हैं? ऐसा सोचो कि वो ऊपर वाले की अमानत है, इसीलिए। इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर वाला हमारी इच्छाएं पूरी करे, उसके बदले में हमें भी तो उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। मतलब वो भी इंसानों जैसे हैं, वो हमारी मदद करेंगे तो बदले में हमसे कुछ लेंगे भी। हमारी क्या मदद की उन्होंने? सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया में जो भी जिंदा है उन सब की मदद करते हैं। उस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने हम सब की रक्षा की थी ना, इसीलिए उन्हें पापा की बलि चढ़ा रहे हैं। तो क्या भगवान ने पापा को मांगा है? अरे वो उसे कैसे मांग सकते हैं? जब भगवान ने पापा को मांगा है नहीं तो दे क्यों रहे हो? उनका तो काम ही है ना सबकी मदद करना, फिर वो पापा की मदद करके उसको क्यों नहीं बचा रहे?
नमस्ते सर। नमस्ते। चले सीधे चल चल चल। क्या करें, काका जी के कहने पर पुलिस स्टेशन आ तो गए हैं, पर मुझे नहीं लगता ये लापता मुर्गे की रिपोर्ट लिखेंगे। कोई और रास्ता है क्या? पूरे गांव में ढूंढ लिया। ससुर जी इंस्पेक्टर को जानते हैं, देखते हैं। चल रहे काम बोल। तुमने पहचाना नहीं? ये नहीं पहचाना। याद करो बेटा, मैं तुम्हारी शादी में आया था। तुम्हारे ससुर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे यहाँ आने को कहा। ओहो, मेरे ससुरे का दोस्त है तू? तेरे को कॉम्प्रो करने को भेजा? अरे उसकी बेटी तो अपने हीरो के साथ भाग गई, अभी उसको वापस नहीं लेने वाला मैं। वो बात नहीं है, बात ये कि बात बीत कुछ नहीं, मेरे को समझाने का नहीं। अब यहाँ हेल्प के लिए आए हैं। मंजे, हमारा मुर्गा खो गया है। चमाइला, तो दूसरा मुर्गा ले लेने का? ऐसी बात नहीं है, एक पूजा में उसकी जरूरत है। हाँ। अगर आप उसे ढूंढ देते तो। ये साला मुर्गा मुर्गी लेके भागता है तो लोग कंप्लेन करने को आता है, तो पहला मानुस है जो मुर्गे का कंप्लेन लिखाने को आया है। चलो निकल। बेटा समझो। तू ये लोग के साथ आया है बोल के छोड़ता है, वरना ससुर का नाम लेने वाले को अंदर डाल के बहुत धोता है मैं। चल निकल। क्या हुआ, मुर्गा नहीं मिल रहा? उसे ढूंढ के दूं क्या? ढूंढ पाओगे उसे? नोट निकालोगे तो क्यों नहीं ढूंढूंगा? हाँ ठीक है, मंजूर है। कहाँ से गायब हुआ? कोटायूर। वो तो पकिया, पकिया का इलाका है। ये पकिया कौन है? उस एरिया में साला एक ही मुर्गी चोर है और वो है हरामी पकिया। उसे जल्दी से पकड़ लो वरना एक भी मुर्गा नहीं बचेगा। उसे नहीं पकड़ सकता, उसके साथ तो हफ्ता बंधेला है। माल निकालो, पता देता हूँ। भाई लोग, अपन गरीब आदमी है, नाम है पक्या उर्फ मुर्गी चोर। माना कि आपका मुर्गा चोरी हो गया, पर कौन सा था क्या मालूम? उसकी कोई खास निशानी थी क्या? थी क्या कोई निशानी? बहुत चालू आइटम था क्या वो? मुश्किल से हाथ आने वाला? हाँ ऐसा ही था। ये देखो पूरे हाथ की वाट लगा डाली, खूनी पंजे साले के। शिलाजीत खिलाते हो क्या उसको? देख पक्या, उसे एक पूजा के लिए रखा है हमने, चुपचाप लौटा दे उसे वरना। भाई मुर्गी चुराना अपन का धंधा है, लेकिन अपन के धंधे का भी कुछ असूल है। अगर बलि का मुर्गा होता है तो उसके दाहिने पैर पर लाल धागा बंधा होता है, उसको अपन कभी हाथ नहीं लगाता। तुमने अपने मुर्गे पर लाल धागा बांधा था क्या? नहीं, हम भूल गए थे। भूल गए थे, अब मुर्गे को भी भूल जाओ। ये, क्या किया मुर्गे के साथ? बेच डाला और क्या। और उन्हीं पैसों से अपने हाथ का दवा पानी किया, साला फुकड़ की मगज मारी। किसको बेचा तूने? उसका नाम बता हमें, वो भगवान की अमानत है, उसको वापस लाएंगे हम। मजाक है क्या, वापस ले आओगे? अरे हलवा है क्या? देखो साले ने मेरे हाथ का ऑपरेशन कैसे किया, तुम्हारे मुर्गे की वजह से अपन अपंग हो गया, और अभी तुम्हारी वजह से एक और मुर्गा हाथ से गया। दवा पानी का 300, मुर्गे का 300, 600 रोकड़ा देता है तो अपन अभी उसका अता पता बताएगा। ए मेरा शर्ट, ए ए मुर्गा, चेतो ए मेरा मुर्गा, अरे ए मुर्गा, अरे अरे हट जा, ए मेरे मुर्गे को जगा। कहां है वो साला? उसे तो ढूंढ रहा हूं, इतनी भीड़ में दिखाई भी नहीं दे रहा है वो। कहां गया? अरे ढूंढो उसे। ए उसका मुर्गा है, ए मेरा मुर्गा। अरे ये कम नहीं है, समझे? फालतू टाइम पास कर रहा है क्या? कहां चला गया? एक काम करो, अपन को तुम्हारा फोन नंबर दे दो, पता चलते ही फोन करता हूँ। हमें पागल समझता है क्या? पैसे लेके मुर्गा वापस लाने की बात हुई थी, खरीदार का थोड़ा दिखाने की बात हुई थी, मुर्गा वापस लाने की नहीं। आप उनको उलझा पटे में लेने का नहीं, समझा? मुर्गा गायब हुआ है तुम्हारी गलती से, आप उनकी नहीं। लगता है साला ये ऐसे नहीं। अरे पहले राउंड में हार गया, पैसे पैसे के मैं जुआ खेल गया, भी हार गया मैं। सब कुछ ये मुर्गी चोर की वजह से हुआ, ये सारा पनोती इसको बहुत मारूंगा। इस गधे को छोड़, बता मुर्गा कहाँ है? ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मुर्गे फाइट में इतनी नजर गए, उसी के दुख में फुल टाइट दारू पी। मुर्गे का क्या किया? मुर्गा मुर्गा, अरे तू बेहोश हो गया मुर्गा। क्या हुआ? ना कोई घर लौटा, ना कोई खबर आई, कम से कम एक फोन ही कर देते।
आप बेकार में चिंता कर रही है मालकिन, जब वो लौटेंगे तो देखना पापा को साथ में लेकर ही लौटेंगे, उत्सव अच्छा ही जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मुर्गा मिल जाएगा। बहुरानी इमली खत्म हो गई है, ऊपर पड़ी उतार दो ना। क्या हुआ तन्वी? कुछ भी तो नहीं। तन्वी, तन्वी तेरी मम्मी बुला रही है, यहाँ आओ, जल्दी आओ। दिखी क्या इमली? दिखी? बोलो क्या कर रही हो तुम, दिखी क्या? इसकी सुई तो वहीं अटकी है। भाई तुझे जो है पैसा आ रहा है ना, ये सब लोग तेरे को लौटा देंगे, बस तू इतना बता दे वो मुर्गा कहाँ है यार। देखो इसको 200 रुपया दे डालो और अपना मुर्गा लेके निकल लो। चले 200 में नहीं दूंगा मैं। क्यों बे कसाई, मैंने तो तुझे 200 में दिया था। 200 में दिया था तो क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा क्या मैं? बात तो सही कह रहा है। पागल समझाया क्या? हमसे पैसे लिए हैं तुमने और हमें ये दिखा रहे हो? हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ही मुर्गा है? ए? तुम्हारे मुर्गे के ऊपर कोई तिल बिल नहीं था क्या? हमारा मुर्गा नहीं था, मुर्गी चोर ने उसे कसाई को बेच दिया था। पर शायद वो हमारा मुर्गा नहीं था, कुछ नहीं कर सकते, हमसे जो हो सका हमने किया। अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, बस माँ को कुछ मत बताना। हाँ रखता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तक उसे ढूंढ ही रहे हैं। चलो तन्वी, पता नहीं अब क्या होगा। चलो It's switched off. रूम में होगा, थोड़ी देर में कॉल करना। संजय क्या फिर से अपना फोन खो दिया क्या? हाँ यार। बोल तो अभी के फोन से फिर से मिस कॉल दूँ क्या? नहीं मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। आया बड़ा। हाँ फैल गया फिर से। हाँ कहाँ रख गया फोन मैंने। हे मेरा फोन देखा क्या? मैं क्यों देखूंगा? देख मुझे पता है तेरे पास है। चल रे निकल इधर से। अरे अरे क्या है यार, मैंने बोला ना मेरे पास नहीं है। अरे माँ मुर्गे का मिलना तो बहुत जरूरी है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ? माँ मेरा फोन देखा क्या? नहीं मैंने रूम में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे देखो ना वहीं कहीं होगा, तुम बच्चों की आदत है यहाँ वहाँ चीजें रख देते हो। यार चीज नहीं मिलेगी ना तो माँ ही याद आती है इन लोगों को। एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान रहती हूँ, क्या बताऊँ। हमें कैसे भी इस मुर्गे को ढूंढना ही होगा। बच्चे हैं ये है यानी बाबू लजीज नाजा कव्वाल बाबा, शहर और देश के प्रख्यात बाबाओं में से एक। ये पान के पत्ते पे काली स्याही लगाकर उसमें पूरी दुनिया को देख लेते हैं, पर हम जैसे आम आदमियों को कुछ नहीं दिखता। करामत ही पान से मुर्गा ढूंढना है। जी पंडित जी। मुनिया जा पता ले। क्या हुआ? इतने दिनों से कोई बकरा नहीं फंसा, पत्ते सारे सूख गए।
अबे बेवकूफ, पान की दुकान से लिया। पान का पत्ता चाहिए है क्या? हाँ है ना, पत्ते में सब कुछ दिख जाएगा क्या? पत्ते के ऊपर से कुछ नहीं दिखता, स्याही में दिखता है। स्याही तो है ना। सुबह क्या खाया था? दाल के साथ चावल। अबे चावल क्यों खाया, पेट कर देगा घायल। चल मेरे गूगलम मैपलम बता दे कहाँ है मिस्टर मुर्गम, सरचम चालू करके दिखा दे उसका ठिकानम। चल न मेरे बापू, चल न मेरी मैया, पार लगा दे फंसी हुई मेरी नैया। दिख रहा है, दिख रहा है, चढ़ता सूरज दिख रहा है। एक घर दिख रहा है, एक घर दिख रहा है, घर दिख रहा है। घर के अंदर सीढ़ियां दिख रही हैं। सामने का दरवाजा खुल रहा है, मैं अंदर घुस रहा हूँ। स्वामी जी, घर के अंदर घुसते ही आंगन है, वो नहीं दिख रहा है? वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। उत्तर दक्षिण में कोना है, पूर्व पश्चिम में कोना है, अग्नि कोण निशान को पार करने के बाद। लेकिन लेफ्ट साइड में बहुत अंधेरा है, थोड़ी रोशनी चाहिए। हा? माता जी, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के वहां लाइट लगवा लीजिए, फिर सब दिखाई देगा। अंधेरा दिख रहा है तो सफेद चूना लगा देती हूँ, उजाला हो जाएगा। लो लाइट आ गई, अब कुछ दिख रहा है? मुर्गा दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। देखो ना, देखो दिख रहा है, आपके घर में ही मुर्गा। अब मिल जाएगा। अरे यहाँ तो बकरा फंसाने के चक्कर में हम खुद ही फंस गए। अगर हमें मुर्गा यहाँ नहीं मिला तो हमारी बलि चढ़ेगी। इतने बड़े घर में इंसान मिलना मुश्किल है, तो इस छोटे से मुर्गे को मैं कहाँ ढूंढूं? बहाना बनाना पड़ेगा। बोल दूंगा अंधेरा हो जाने के बाद पान काम नहीं करता, बस ये आइडिया काम कर जाए, फिर बोल देंगे कल आएंगे, कल आएंगे। अच्छा? ये आइडिया कब आया? अरे अभी आया, अभी आया। ओके ओके, करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, बस मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है। दिख गया, चलो गया, चलो चलो चलो, हम तेरे पास आ रहे हैं, अब हम तुझसे ज्यादा दूर नहीं है, एक एक कदम तेरे पास पहुँच रहा है। माँ के सम्राट को मजबूत पार्टी होने वाली है, इस तरफ से लेकर इस पूरी तरफ में कहीं भी हो सकता है। चलो गुरु जी के पीछे, इस तरफ ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? वहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। चलो सब मेरे पीछे आओ, गुरु जी के पीछे। मुझे पूरी तस्वीर साफ दिखने वाली है, मुर्गे की शक्ल मुझे साफ नजर आएगी। तन्वी क्या कर रही हो, सीधी खड़ी रह। क्यों डोंगी बाबा, तेरा भी पर्दाफाश करो क्या? मुझे वहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। बस वो यही कहीं है, यही कहीं है। स्वामी जी क्या कर रहे हैं, हमारे घर में हम ही को घुमा रहे हैं क्या? सीधे सीधे बताओ ना मुर्गा कहाँ है। नौटंकी कर रहे हैं। इतने बड़े घर में छोटे से जीव को ढूंढना आसान है क्या? अब वो जगह बताओ जहाँ बहुत अंधेरा है। ऊपर जहाँ अनाज रखते ना, वहाँ बहुत अंधेरा है, शायद वही छुपा होगा।
चक्कर में ये मुर्गे को भूल जाएंगे। देखिए ना, अपने बेटे को तो कुछ नहीं कह रहे। मेरे बेटे को गाली मत दो। नहीं, बस बहुत हो गया आपको। इस मामले में मैं यहाँ पर चक्कर ले जाऊंगा। क्यों? अपने बेटे को तो साला मैं कह रही हूँ। अपनी बेटी को लेकर जाओ यहाँ से। अरे दे 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 दे। साला हजार रुपए कमाने के चक्कर में मैंने सब गड़बड़ कर दी। आज पार्टी कैंसिल। हम तो यहाँ पूजा पे आए अपने घर में। देश के संस्कार है ये। नहीं नहीं, हमारी बेटी का लड़की है, इसीलिए ये सब हो रहा है। क्या क्या समझ क्यों नहीं रहा? मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, समझे ना? अपने बेटे को समझाओ। अपने डैड से बात कर। प्लीज मॉम, प्लीज नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। कहा ना, बात कर। हेलो। सबको साथ देखना चाहता था मैं। इतने सालों तक अलग रहे, सोचा सब एक बार फिर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अरे तन्वी, क्या हुआ बेटा? कुछ कहना है? झगड़ा क्यों हुआ ताया जी? आप तो कभी गुस्सा नहीं करते, फिर आज क्यों? वो संजय गलत था। बच्चे गलती करें तो बड़ों को उन्हें रोकना चाहिए ना। संजय भैया ने क्या गलती की? ये बात तुम नहीं समझोगी तन्वी बेटा। मैं तो कुछ भी नहीं समझी। ताई जी, आपकी क्या लगती है? क्या लगती है मतलब? मेरी बीवी है वो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी दीदी और संजय भैया भी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो फिर ये झगड़ा क्यों? उन्हें माफ कर दो ताया जी। अरे बोलो, बताइए, बोलिए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या किया, क्यों झूठ बोल रहे हैं?
मतलब पापा नहीं मिला ना, हम सबको बेवजह यहाँ बुलाया ना। ये कैसा मजाक है? अरे बेकार में टेंशन क्यों दे रहा है? अब बोलेगा या मूर्ति की तरह यहाँ खड़ा रहेगा? पापा कहाँ है बताओ? बताते क्यों नहीं? हाँ बताओ कहाँ है? अरे मिल चुप क्यों खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कहाँ छुपा के? चुप हो जाओ। आज पूरे 3 साल बाद एक उत्सव के बहाने ये पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। मैंने सोचा था इस घर में खुशहाली का माहौल होगा, मालिक हर दिन ऐसा ही सपना देखते थे। मैंने ये महसूस किया है, मैंने सोचा इस घर में हंसी गूंजेगी हर कोने में, चप्पे चप्पे में, लेकिन जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस परिवार को पता नहीं किसी की बुरी नजर लग गई, मातम सा छा गया। मैं तो एक मामूली नौकर हूँ मालिक, लेकिन आपने मुझे एक बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया, मेरी शादी करवाई, गृहस्थी बसा दी। आप सबको खुश देख के मुझे खुशी मिलती है। खाने के लिए सबको बुलाता हूँ लेकिन कोई नहीं आता, इसलिए झूठ कहा कि पापा मिल गया। आप सब जानते हैं जहाँ एक परिवार साथ होता है वहां अनबन होना मामूली सी बात है, ऐसा होता ही है। आप सबके लिए मैंने खाना बनाया, आप लोग मालिक को और दुखी मत कीजिए। सब कुछ भुलाकर आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा लीजिए। क्या कर रही है, छोड़, शर्म नहीं आती? सब लोग सामने खड़े हैं, कुछ अकल नहीं। अरे हट पीछे, दूर हट, अरे काना दूर हट। अरे बोला ना, अंदर जा, ये रोना धोना बंद कर, जा जा किचन में जा, जा खाना परोस, जल्दी कर। लीजिए ना मालिक, भगवान आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। उत्सव से पहले एक चमत्कार होगा, पापा खुद उड़कर आएगा। एक चम्मच और। प्लीज एक मिनट, देख लिया तो कैसा हो जाएगा? लेट मी एक्सप्लेन। तुम बिना मतलब के इतना घबरा रही हो, मेरी बात सुनो। तन्वी, हमने कुछ नहीं देखा और तुमने भी हम दोनों को नहीं देखा।
घर में किसी को नहीं पता कि तन्वी ने पापा को छुपा रखा है। हम भी इस बारे में चुप ही रहेंगे। चुप रहना। अरे आप, वो भी इस वक्त? वो मुर्गा गायब हो गया, उसे ढूंढ नहीं पा रहे। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? उस मुर्गे के बजाय कोई और? मन्नत तो उसी मुर्गे की मानी थी ना, दूसरा मुर्गा चढ़ाना भगवान को धोखा देना। ऐसा करने पर क्या वाकई मेरे परिवार पर कोई संकट आ सकता है? ये तो सब उनके हाथों में। कल सुबह पूजा शुरू होगी, अगर आप उसे ढूंढ लेंगे तो बेहतर होगा। नमस्ते, चलता हूं। मिल जाएगा।
ए यू हटना। ए श्रवण उठ। क्या श्रवण, जब देखो गिरते रहते हो। ये ऐसा ही है पिताजी, कुछ कहिए ना। 10 मिनट बाद पूजा का मुहूर्त है। मुहूर्त खत्म होने से पहले हम सबको मंदिर जाना है। हाँ तो तुम सब जाओ ना। पिताजी आप नहीं चलेंगे? मम्मा मम्मा। आपको पता है तन्वी ने पापा को ऊपर छुपा रखा है, ऊपर वाले स्टोर रूम में। पता नहीं क्या होने वाला है। मामा जी। क्या हुआ? आपको एक बात पता है क्या? क्या? तन्वी ने पापा को ऊपर छुपा रखा है, पापा ऊपर स्टोर रूम में है। मंदिर नहीं गए तुम? नहीं गया। क्यों? आप क्यों नहीं गए? ईश्वर के सामने कैसे जाऊंगा? आप सच क्यों नहीं बोलते? आपको तो पता ही होगा ना कि पापा ऊपर है, ऊपर स्टोर रूम में है। एक मुर्गे के लिए इतनी टेंशन हो रही है, फालतू में। कहाँ? लो ये रहा, खुद ही देख लो। इस मुर्गे की वजह से मुझे मार पड़ी। पापा मिल गया, सब बाहर आ जाओ। पापा मिल गया, हमारा पापा मिल गया। आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। पापा मिल गया। तुम में से किसी एक की गलती की वजह से पूरे परिवार को कुरुपा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता था। शायद भगवान उसे माफ कर भी दे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा।
देवी प्रसाद जी आइए आइए, पूरा परिवार प्रसन्न लग रहा है। यानी मुर्गा मिल गया, उसकी बलि तो चढ़ा दी ना। जी अब हमारा परिवार शाकाहारी बन गया है। कितना अच्छा मेला था ना। डाडा बेटा, कैसे हैं? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ स्वीटी। आपको छुट्टी मिल गई? परमानेंट। दरअसल मैंने जॉब छोड़ दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे उससे बढ़िया जॉब मिल गई। अरे आगे बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बता देते कोई लेने आता। फिर सरप्राइज कैसे होता? अब हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। खाना खाते। तुम्हें सॉरी कहना था, गलती संजय की ही थी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अगर हो सके तो मुझे भूल जाओ शुभम, गलती किसी की भी नहीं है। इस उम्र में बच्चों का ऐसा करना नॉर्मल है। वैसे भी मेरी बेटी मेरे साथ हमेशा थोड़ी रहेगी, कुछ साल बाद उसकी शादी कहीं ना कहीं तो करवाऊंगा ही। तुम्हारे बेटे से होगी तो मुझे खुशी होगी। अंकल मैं बड़ा बेटा हूं। लव यू डैड। मजा आ गया। तो और बहुत ही बढ़िया बना, बहुत ज्यादा। वो देख केले के पत्ते से कितने दिनों बाद खाना खा रहा हूं। मजा आ गया, मजा आ गया आज तो बिल्कुल। थोड़ा सा लो भाई, तुम्हारे मन की बात भी सच हो गई। हेलो। हेलो जी। और कौन तो? अरे पिताजी, मेरा टेंडर पास हो गया। कांग्रेट्स, बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आज याद आई। संभाल के आते रहना। बाय दादी माँ। ओके बाय, मिलते हैं। अच्छा बेटा, अगले साल थोड़ा जल्दी आना। अगले साल ही क्यों पिताजी, अब हम हर साल आएंगे। हम भी आएंगे पिताजी, अपने बच्चे के साथ। सुन के खुशी हुई। श्रवण दिख नहीं रहा है, चलता हूँ पिताजी। चलते हैं पिताजी। हाँ हाँ चलो, संभल कर जाना। हाँ बाय बाय। चलो चलो बेटा, जाना गाड़ी में बैठो। हाँ बाय। टमाटर क्या भाव है? इतने महंगे? बहुत ही महंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत बच्चे के लिए अच्छे हैं ये। अच्छे हैं। भिंडी क्या भाव है? कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब को फोन लगा। हेलो, बाजार खरीद रही हो क्या? खरीदे तो पहले, तभी तो बनाएंगे ना खाना। हाँ हाँ पता है। हाँ ठीक है।